देखिए एक मिनट बोलो। जिंदगी में अभी देखिए आज से दो दिन पहले एक बहुत बड़ा घटना हम लोगों के जीवन में हुआ। एक छोटू पांडे बहुत बेहतरीन कलाकार थे और 8 लोगों का एक्सीडेंट में मौत हो गई एक स्कॉर्पियो से। मैं इसीलिए कहता हूं ना कि आप लोग अपने जीवन को खुद ही बचाइए। जिंदगी में हर दिन जीना है और हर दिन मरना है, लेकिन जब जितना देर आप जी रहे हैं ना, मुझे लगता है कि उसको खूबसूरत बना के जीना जरूरी है। जितना देर जी रहे हैं ना, उतना देर उसको खूबसूरत बना दीजिए। लोग कहते हैं ना कि अगला से झगड़ा हो गया मैं बात नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? बात करो, पता नहीं कल वो बात करने लायक रहेगा कि नहीं रहेगा, तो कहां करोगे? फिर पछतावा होगा कि यार काश बात कर लिया होता। तो जिंदगी में हमेशा विवाद को बात को ना खत्म करने की कोशिश करिए। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती, एक ही बार मिली है। लोग कहते हैं ना जिंदगी बार बार मिली है, ऐश करना है। अरे यार, अगर जिंदगी तुम्हें एक बार मिली है ना, गलत करने के लिए जिंदगी मिली है, तो अच्छा करने के लिए भी यही जिंदगी है। इसी में भी अच्छा भी करना है, तो कोशिश करिए कि इसमें जो भी चीजें आप करिए अपने जीवन में, बट अच्छा भी करिए। यहाँ कोई किसी का है नहीं, कोई किसी का नहीं है। बेटी दामाद की हो जाएगी, बेटा बहू का हो जाएगा। ये जिंदगी जो है ना, ये शरीर शमशान का हो जाएगा और जिंदगी मौत की हो जाएगी। आप पूरे जीवन कमाते रहिए, धन धन करते रहिए, लास्ट में निधन ही लिखाने वाला है, तो इससे क्या फायदा? किसके लिए लड़ाई करिएगा? हाँ, हिलावा लो गिर जाला, कोई मत हिलाएगा, हिलाना नहीं तो गिर जाएगा। हिलाना मौत, गिरेगा, हिलाने पे गिर जाता है सब, इसलिए मत हिलाओ। के बा, अरे कहाँ गली सर? एक अच्छा, अनंत कुमार कोई लड़का है, रेणु कोट से आया है, लक्ष्मी जी के साथ आया है वो, और भुला गया है। इधर आ, इधर आ जा बेटा। हाँ, ठीक माहौल गड़बड़। क्या नाम है बेटा? आनंद। तो लक्ष्मी कौन है आपकी? हमारी दीदी। दीदी हैं बहन। आप अगर कहीं भी हैं तो प्लीज अब अपने भाई को देखिए, यहाँ पे हैं ये, आप इनको प्लीज ले जाइएगा। आप बेटा बैठ जाओ, रो मत, दीदी यहीं कहीं होंगी, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो जिंदगी में हमेशा ना कोशिश यही करना चाहिए। छोटू पांडे से मैं कभी मिला नहीं था, बट मैंने उनको गाते हुए सुना था। वो इंसान बहुत बेहतर गाता था। भगवान उनके आत्मा को शांति दे। उस परिवार के साथ संवेदना हम सबकी है। मैं चाहता हूं कि आप सब भी एक बेहतर कलाकार के जिंदगी के लिए, जिंदगी में तो नहीं है वो, लेकिन वो जहां भी हैं उनको स्वर्ग प्राप्त हो, इसके लिए दुआ जरूर करिएगा। एक ताली बजा के उस आदमी को आत्मा की शांति के लिए प्लीज। यह भूला गई। अरे तू हमारे कटा के बंसी बुझल बड़ा, तोरा भुलाई कर लो तो कहा अंदर से बाहर रही से जरूरी ना लाने से ओनिए तू रहा तो ठंडा भर। यो भुला गई मनीता कुमारी करमाही भूल गई। तू ले कुली कहे कते तरह बाद में जो भुलाई हो अपने अपना घरे चल जाई। भाई जो जहां भुलाया है भुला जाओ, हमरा से मत कह लो भुला गई। आप लोग अपने बच्चों का स्वयं रक्षा करें। आप अगर इतने दर्द के साथ उसको बाहर करते हैं, तो दर्द के साथ उसको पालना भी सीखिए, ठीक है? तो प्लीज हम कह रहे हैं ऐसे जो हमारे में ओकनी के ना निकाले में योगदान बा, ना ओकनी के डाले में योगदान बा। हम यहाँ मनोरंजन करे वाले बनी, निकाले डाले में खिए। आज आप इनकी तू ही आ जाए, एगो और कॉलो, अब एगो और कॉलो कर बात करके बुला ले। बाजा बजाओ आज वाला हो, आज वाला हो गई। जय करी जय भाई। और आज आज जो गाना रिलीज हुआ है ना, आज वाला हिलौले बड़ू गांव भाव समझवादी सेंटीमेंट। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश पुलिस, अनिल सिंह चली भाई की तरफ से बहुत पुरस्कार, भगवान से प्रार्थना। बैठिए आप लोग, बैठिएगा तब कुछ होगा। ये गलत किया है आप लोगों ने, बैरियर तोड़ करके बैठिए।
अब बैठ जाइए, अब खड़ा होइएगा और पुलिस पीटेगा, फिर हमको नहीं बोलिए। ज्योति देखिए वो साउंड डिस्टर्ब हो रहा है, फिर कैसे देखिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब लोग से हाथ जोड़ के मिलती है। तुम बैठो, बैठो, बदमाश कही के सबसे बड़ा बदमाश तुम है, बैठो। साउंड को छोड़ दीजिए, साउंड को छोड़ के, ए बाबू आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। भाई लोग हम इतना बोले थे भाई मानते हैं तो बैठ के देखिए, खेसारी भैया भाग नहीं रहे हैं यहीं आप लोगों को, लेकिन ऐसे कीजिएगा साउंड गिर जाएगा तो क्या सुनिएगा, क्या मजा आएगा आप लोगों को।